दोस्तों नमस्कार, कानूनी बात बताने वाले मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज का विषय एसआरए का जो हाउस है वो हस्तांतरण में उसका शुल्क घटाकर 50,000 किया है, उसके बारे में। दोस्तों पहली बात ये कि महाराष्ट्र में ये अच्छी खबर आप सुनने के पहले एसआरए क्या होता है ये भी समझ लीजिए। स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी के अनुसार वो झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना होती है, जहां झोपड़पट्टी रहती है, स्लम रहती है, वहां स्लम वाले घरों को अच्छे पक्के मकान देने के वास्ते सरकार ने जो योजना लाई है वो एसआरए की योजना है। अब उसके तहत क्या होता है, झोपड़पट्टी के जगह जो पात्र झोपड़पट्टी धारक होते हैं, जो क्वालिफाइड रहते हैं, उनको झोपड़े के बजाय उनको पक्का घर, पक्का मकान मिल जाता है। अब अभी तक का जो सिलसिला था कि अगर किसी को एसआरए का घर परचेस करना है, मान लो मुझे परचेस करना है, तो मुझे क्या करना पड़ता था, मुझे स्टैंप ड्यूटी तो भरनी पड़ती है, यानी मुद्रांक शुल्क भरना पड़ता है, उसके बाद एसआरए को स्थानांतर शुल्क जो रहता है, ट्रांसफर फी जो रहती है, वो 1,00,000 रुपए भरनी पड़ती है। अब वो ट्रांसफर फी स्थानांतर शुल्क 1,00,000 से घटाकर 50,000 कर दिए। मुद्रांक शुल्क में घटोती नहीं है, खाली ट्रांसफर फी में घटोती है, इतना याद रखिए। अब ये 15 दिसंबर 2023 को इसका निर्णय हुआ, राज्य मंत्रिमंडल ने, महाराष्ट्र के राज्य मंत्रिमंडल ने ये निर्णय लिया और उसके तहत अब हस्तांतरण शुल्क कम हो गया है, अब ट्रांसफर भी कम हो गई है। ये एक अच्छी बात है। वैसे ही एक एसआरए में मकानों की बिक्री जो होती थी उसको अनुमति देने का जो अवधि था वो पहले 10 साल था, अब वो घटाकर 5 साल करने के लिए प्रतिनिधियों ने उसकी मांग की, तो राज्य कैबिनेट में 19 दिसंबर 2023 को जो बैठक हुई उसमें एक सकारात्मक निर्णय ले लिया है। वहां अब झुग्गी वासियों को, झोपड़पट्टी वासियों को जो एसआरए में शिफ्ट हो गए, एसआरए के घर में रह रहे हैं, उनको 5 साल के बाद एसआरए का फ्लैट वो बेच सकते हैं। अब इसके लिए जीआर आने के बाद उसका वो जो एक्ट है वो जीआर आने के बाद ही लागू होगा, इतना याद रखे, जीआर देख के ही उसके बाद तालीम कीजिए। अब एक बात जाते जाते बताना चाहता हूं कि मैं एसआरए के घर में रहता हूं, मैं ये फ्लैट यूएन लाइसेंस पे दे सकता हूं क्या, तो हरगिज नहीं। आपको रहने के लिए जगह दी है सरकार ने, आपको रहने के लिए जगह दे दी है, आप झोपड़पट्टी में रहते थे, आपको अच्छा पक्का मकान ने रहने के लिए जगह दी है, उसका कमर्शियल यूज करने के लिए आपको दिया नहीं है। नहीं तो होगा ऐसा कि भाई मैंने झोपड़ा बांध दिया, एसआरए का घर मिलने के बाद वो मैंने भाड़े पे चढ़ा दिया, वापिस एक झोपड़ा बांध दिया, ये नहीं होवे। इसलिए कानून से आपको अलाउ नहीं, बहुत लोग देते हैं। अब प्रॉब्लम में आएंगे तो भाग के मत आना पूछने के लिए, कानून क्या कहता है यह मैं बताना चाहता था। आज का जो विषय कम शब्दों में था वो ट्रांसफर फी जो 1,00,000 से 50,000 हुए उसके बारे में था। मुझे लगता है मैं कम शब्दों में आपको बताया, अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ लेके आऊंगा, तब तक के लिए अनुमति दीजिए, धन्यवाद।